दोस्तों, गांधी जी को कौन नहीं जानता। गांधी जी हमारे देश के अनऑफिशियल फादर ऑफ नेशन ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ उन चंद नेताओं में से एक नेता है जिन्होंने हमारे भारत देश की आजादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। उस दौर में गांधी जी ही एक ऐसे इकलौते नेता थे कि जिनके बलबूते पर भारत देश के समस्त नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल युद्ध के लिए एक स्थान पर जमा हो पाए थे। वरना उससे पहले तो भारत देश के नागरिकों को अंग्रेजों के खिलाफ एक जगह पर इकट्ठा करना नामुमकिन था, क्योंकि फूट डालो राज करो अंग्रेजों की ये पॉलिसी, इसी पॉलिसी की वजह से भारत के लोग अंदर ही अंदर आपस में लड़ा करते थे। वैसे तो दोस्तों, इतिहास में गांधी जी के बारे में कई चीजों का उल्लेख किया गया है और गौरतलब है कि आपने बखूबी इसको समझा होगा, पढ़ा भी होगा, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शायद ही कुछ लोग होंगे जो इन चीजों के बारे में पहले से जानकारी रखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बारे में, जिनको अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइएगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, गांधी जी के बड़े बेटे को अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि गांधी जी जैसे एक बड़े नेता जिन्होंने आजादी में एक बड़ा किरदार अदा किया था और साथ ही साथ पूरे भारत देश को एक जगह पर इकट्ठा करके दिखा दिया था, लेकिन वही गांधी जी अपने पूरे परिवार को एकजुट नहीं कर पाए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से हमें इस चीज की सच्चाई देखने को मिलती है। जैसा कि बताया गया है कि गांधी जी की फैमिली में सब कुछ अच्छा नहीं चलता था और खास तौर से उनके जो सबसे बड़े बेटे थे यानी कि हरिलाल गांधी, उनसे गांधी जी की कभी पटरी नहीं खाती थी, यानी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। हरिलाल गांधी का जन्म 23 अगस्त सन 1888 में हुआ था। उन्होंने भी अपने पिताजी की तरह भारत की आजादी के मूवमेंट में वक्त वक्त पर हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, हरिलाल गांधी को इस मूवमेंट की वजह से कई बार जेल का सामना भी करना पड़ा और शायद यही वजह थी जो लोग उनको छोटे गांधी के नाम से भी जाना करते थे। मगर दोस्तों, उनका अपने पिताजी के साथ टकराव उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने अपने पिताजी की तरह बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी हरिलाल गांधी चाहते थे कि वो भी अपने पिताजी की तरह लंदन जाएं, वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई मुकम्मल करें। मगर दोस्तों, आपको बता दें, गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। दोस्तों, यही वो चीज थी जिसने इन दोनों के बीच में एक खाई यानी दरार को पैदा कर दिया। दोस्तों, ये दरार दोनों के बीच में बढ़ती चली गई। 1911 में एक ऐसा वक्त आया जब हरिलाल ने अपने पूरे परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया और वो अपनी बीबी और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग रहने लगे। मगर दोस्तों, हरिलाल के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि गुलाब गांधी नाम की जिस औरत से हरिलाल ने शादी की थी, ये शादी 1906 में की गई और 1918 में गुलाब गांधी हरिलाल गांधी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह चली गई। इतनी कम उम्र में उनकी बीबी की इस मौत ने उनको अंदर से मिला कर रख दिया और वो इस तरह से दूसरी शादी नहीं कर सके और नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे वो एक बहुत बड़े अल्कोहलिक के आदि बन गए। मतलब दोस्तों, वो शराब का सेवन करने लगे। मगर दोस्तों, हीरालाल गांधी ने उस वक्त न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे भारत को ही चौंका दिया था जब सन 1936 में मई के महीने में उन्होंने खुले तौर पर अपने पुराने धर्म यानी हिंदुइज्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। न सिर्फ इस्लाम को अपनाया था बल्कि उन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। मगर दोस्तों, गांधी जी के बड़े बेटे के इस फैसले ने न सिर्फ लोगों को हैरान और परेशान किया था,
बल्कि वो इंसान जो इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद हीरालाल गांधी की माँ कस्तूरबा गांधी थी, जिनका पुख्ता सबूत उन पत्रों से मिलता है जो कस्तूरबा गांधी के द्वारा उस दौर में लिखे गए थे। कस्तूरबा गांधी उस दौर में बार बार अपने बड़े बेटे यानी हरिलाल गांधी को खत लिखा करती थीं और उन खतों के माध्यम से अपने बड़े बेटे पर दबाव डालने की कोशिश किया करती थीं और वो अपने बेटे से ये रिक्वेस्ट किया करती थीं कि ये उसने अजीबोगरीब और बड़ा खतरनाक फैसला लिया है, वो उस पर थोड़े बहुत दिन सोच विचार करे और पुनः अपने फैसले को पलट ले। वो खुद कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि मेरा बेटा अपने इस पुराने धर्म को कैसे छोड़ सकता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी इस बात को लेकर भी परेशान थी कि उनके बेटे के द्वारा लिए गए इस फैसले का असर उनके शौहर यानी हस्बैंड मोहन करमचंद गांधी की इमेज पर भी पड़ेगा, जो उस दौर में हमारे भारत देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता माने जाते थे। क्योंकि दोस्तों गांधी जी भले ही सेकुलर थे, सभी धर्मों की इज्जत किया करते थे, मगर फिर भी वो अपने खुद के धर्म हिंदुइज्म के लिए बहुत खास थे और हिंदुइज्म की मान्यताओं को काफी महत्व दिया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे हरिलाल गांधी के ऊपर आर्य समाज की तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार हरिलाल गांधी के ऊपर आर्य समाज का प्रेशर और साथ साथ उनकी अपनी माँ कस्तूरबा गांधी का प्रेशर के द्वारा दबाव इतना ज्यादा पड़ता चला गया कि आखिरकार उनको ये अपना फैसला बदलना पड़ा और एक बार फिर से पुनः अपने पुराने धर्म में वापस आ गए। दोस्तों अगर बात की जाए अब हरिलाल गांधी की मौत के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी मौत अपने पिताजी की मौत के 4 से 5 महीने बाद ही हो गई थी। इन्होंने 18 जून सन 1948 में 65 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों ये था गांधी जी के बड़े बेटे यानी हरिलाल गांधी का मुकम्मल इतिहास। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो और इसमें भर भर कर दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।